मत बोलिए। देखते हैं ये छोटा छोटा लड़का सब, इन लोग से तो मैं और परेशान हो गया हूँ। ये लोग जाएगा सैलून, देखिएगा ये लोग जाएगा बाल कटवाने, इधर भी साफ, हाँ देखिएगा आजकल नया नया डिजाइन चला है, इधर भी साफ। अच्छा देखिएगा और सब बहुत सारा डिजाइन चला है, चारों तरफ साफ कर लेगा। और जानते हैं इधर भी साफ, देखिएगा मैं कुछ आपको दिखा दूं, जरा सुनिएगा, देखते भी जाइएगा। आज सैलून जाएगा ये लोग, इधर भी साफ। बीच में रखता है वो भी लाल कर लेता है, दूर से कोई देखे लगता है इंसान नहीं मुर्गा का पूंछ। ये ऐसा ऐसा डिजाइन का कटवाता है, देखिए। खड़ा करने के लिए मत बोलिए। और वो बाहर जाएगा, 2 साल मुंबई में रह के आएगा, हाथ में पहनेगा वो कड़ा, गले में वो एकदम बिल्कुल वो चांदी का मोटा सा हार, ऐसा चलेगा, ऐसे लगता है बेटा बैतुल मुकद्दस पे अभी झंडा गाड़ के आ रहा है। हाँ एकदम ऐसे करके चलेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगो, आप जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस में आए गो, आप तो गौसे आजम के दीवाने गो, आप तो आला हजरत से इश्क करने वाले गो, आप तो आशिक रसूल गो, आपका चलना बताना चाहिए। जब आप चलो तो दूसरे कोई देखे तो देख कर बोले ये कोई और नहीं जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आपका चलना बताना चाहिए, आपके कपड़े का ढांचा बताना चाहिए, ये किसी और का पहनावा नहीं है, ये तो आमना के लाल के गुलाम, ये गुलाम अहमद मुख्तार का पहनावा है जो ऐसे लिबास में जा रहा है। जरा सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के पास सिर्फ आधा घंटा टाइम था, उनमें से पता नहीं कितना देर निकल गया, 10:45 हो चुके गए, 15 मिनट और बाकी है। जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर में बोल लूं। अब एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा और सारी चीजें मैं किताबों के हवाले से बोलूंगा। एक बात बताइएगा, जरा थोड़ी देर सुनिएगा। आज तखलीक दुनिया से आज तक, यानी जब से दुनिया बनी है आज तक, इंसान न जाने मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए मुसलमानों ने तरक्की के बहुत सारे मनाजिल को क्रॉस किया है, लेकिन एक बात बोलिएगा और सच्ची बताइएगा, एक जानवर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, एक इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, लेकिन एक बात इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जो 10-15 मिनट तकरीर हो जाए, जरा सुनिएगा। जानवर भी पैदा होता गए, इंसान भी पैदा होते गए, लेकिन एक बात बताइएगा कि जानवर जब पैदा होता है तो जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी पैदा होता है नंगा पैदा होता है। क्या आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं? यानी जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी, ऊंचा बोले इंसान भी। आप लोग तो इतना बोल रहे धीरे, लगता है कि कोट वगैरह पहन के आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, अरे ऐसा तो नहीं है ना। जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी नंगा पैदा होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, फिर दोनों में फर्क क्या है? बड़ा होने के बाद जो कपड़ा ना पहने उसे हम और आप जानवर कहते गए, और जो बड़ा होने के बाद कपड़ा पहन ले हम और आप उसे इंसान कहते गए। अच्छा एक बात और देखिएगा, ये दोनों जानवर और इंसान दोनों पानी भी दोनों पीते गए, यानी कुत्ता और बिल्ली भी पानी पिए, प्यास दोनों को लगती गए, इंसान को भी प्यास लगती गए, फिर दोनों में फर्क क्या गए? तो फर्क ये है कि प्यास बुझाने के लिए जो हलाल हराम ना देखे, जायज ना जायज ना देखे, कहीं से भी कोई सा पानी पी ले उसे जानवर कहा जाता है, और जो बैठ कर 3 सांस में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए उसी को इंसान कहा जाता है। अब सुनिएगा, पेशाब भी दोनों करते हैं, इंसान भी पेशाब करते हैं,
और जानवर भी पेशाब करता है। जरा सुनिएगा, फिर दोनों में फर्क क्या है इंसान और जानवर में? तो फर्क ये है, कहीं भी जहां पेशाब लगे वहीं खड़े खड़े किसी रास्ते में, आंगन में, घर में, दरवाजे में, मकान में, कहीं भी जहां पेशाब लगे खड़े खड़े पेशाब कर ले, उसको हम और आप जानवर कहते गए। जब पेशाब लगे बैठ जाए, और जहां पेशाब करने की जगह है वहां बैठ कर पेशाब करे, और पानी से उसके बाद धोए इस्तिंजा करे, उसी को इंसान कहा जाता है। लोगों, भूख भी दोनों को लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है, फिर दोनों में फर्क क्या है? तो गौर से सुनना प्यारे, फर्क दोनों में ये है कि जानवर को जब भूख लगती है वो कहीं से भी कोई सी भी गजा खा ले, वो हलाल हराम न देखे खाने से पहले, जो भूख मिटाने से पहले हलाल हराम न देखे उसे जानवर कहा जाता है, और खाने से पहले ये देखे ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, पाक है या नापाक है, जो पहले खाने से पहले जो ये देख लेता है उसी को इंसान कहा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, जानवर भी पेशाब करता है, इंसान भी पेशाब करता है, जानवर भी पानी पीता है, इंसान भी पानी पीता है, फिर दोनों में फर्क क्या है? इंसान को जानवर से मुमताज करने के लिए अल्लाह ने अक्ले सलीम इंसान को अता फरमाया है, जानवर को अल्लाह ने अक्ले सलीम नहीं दिया है। यही वजह है उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए, ये उलमा बयान फरमाते हैं, इमाम आजम की तहकीक के मुताबिक अगर कोई इंसान पहाड़ की घाटी में रहता हो और उस पहाड़ की घाटी में उसकी पूरी जिंदगी में अगरचे कोई दीन की तबलीग करने वाला कोई दीन का मुबल्लिग ना पहुंचा हो, तब भी उस घाटी में रहने वाले इंसान के लिए खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है। किसी औरत से जरा सुनिएगा, एक औरत जो यानी चरखा चलाती थी, चरखा, उस औरत से पूछा गया, सुनो अल्लाह है या नहीं है? वो औरत बोली, हाँ अल्लाह है। कहा कि दलील क्या है? कहा दलील ये चरखा है। औरत बोली, दलील ये चरखा है। कहा कैसे ये चरखा दलील है? कहा सुनो, ये चरखा है जितनी इतना बड़ा, इस चरखा को मैं चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, मैं ना चलाऊं तो ये चरखा ना चले, पता ये चलता है। जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया का तो कोई ना कोई चलाने वाला मालिक जरूर होगा, इसलिए ये दलील चरखा है। फिर पूछा, बताओ अल्लाह एक है या दो है? कहा कि अल्लाह एक है। कहा दलील? कहा कि बस यही चरखा। कहा क्या मतलब? कहा ये छोटा सा चरखा जिससे मैं सूत काटती हूँ, मैं जब अकेले सूत काटती हूँ तो फिर इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, जब दो लोग मिलकर इस चरखा को घुमाते गए इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा मतलब? कहा मतलब ये है, जब इतना बड़ा चरखा मैं चलाऊं सूत काटने के लिए, अकेला चला अकेली चलाती हूँ तो फिर ये चरखे से धागा सीधा निकलता है, दो लोग मिलकर चलाते गए धागा टेढ़ा हो जाता है, बस जब इस चरखे में दो लोग चलाएं इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह एक है, इस दुनिया को चलाने वाला मालिक कोई एक है, अगर एक ना हो तो जब चलाए चरखे को तो चरखा का धागा गलत निकल जाए, टेढ़ा निकले, तो दो अगर कोई मालिक इस दुनिया को चलाने वाला होगा तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निजाम सही ना चलेगा। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, वो मालिक एक है। आप कहेंगे वो कैसे? गौर से सुनिएगा, एक भैंस को आप देख लें, वो भैंस खाती तो है हरा हरे यानी हरा घास खाती है, लेकिन वही हरा घास खाने के बाद वही भैंस रंगीन गोबर भी देती है और सफेद कलर का व्हाइट कलर का दूध भी देती है। आखिर कोई ना कोई तो है। इमाम शाफई फरमाते हैं, सिर्फ भैंस को देखकर कि वो खाती हरा घास है लेकिन दूध उजला और सफेद कलर का और गोबर रंगीन कलर का, एक भैंस को देखकर अल्लाह को मालिक और खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये
ये हमारा मजहब मजहब इस्लाम सिखाता है। आप कहेंगे वो कैसे, जरा गौर से सुनिएगा। आपको कभी कटिहार जाना हो रेलवे स्टेशन पे, आपको एक मंत्र सुनाई देगा और वो मंत्र सुबह सवेरे फजर के बाद वहाँ मंत्र जो फजर के टाइम में बजाया जाता है वहाँ, यानी के कटिहार रेलवे स्टेशन के बगल में जो मंदिर है सुनिएगा, उसमें कहा जाता है यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु। हमने जब इसके पहले हर्फ पे गौर किया तो इसमें कहा गया यको जगदीश्वरा। कहा लोगों इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले वो मालिक, किसी का हाथ नीचे न रखे, शहादत की अमली को उठाकर बताएं कि वो मालिक इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक। अब अगर मैं कुरान से दलील दूं, लोग कहेंगे तुम तो सूरह इखलास पढ़कर निकल गए, ये तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे। जरा गौर से सुनना प्यारे, क्या सिर्फ यह कुरान में ही बताया गया या और भी किताबों में ये बात बताई गई है कि वो मालिक एक है, हम सबका पैदा करने वाला खालिक एक है। आप कहेंगे वो कैसे, ये देखें मेरे हाथ में किताब है, एक किताब मेरे पास रामायण भी मौजूद है, मेरे पास भगवद गीता भी मौजूद है, मेरे पास रामचरितमानस भी मौजूद है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी सारा हवाला आपके सामने और से सुनिएगा। ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, अगर कोई चाहे यहाँ आकर देख सकता है। और से सुनना लोगों, ये मेरे हाथ में रामायण है, इस किताब में क्या लिखा है, वो मालिक एक है। जैसा कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। का मतलब काए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक और साफ है वही हम सब का खुदाए पाक है। कहा कि अब सुने रामायण क्या कहता है, अगर कोई चाहे आए। अब जरा देखे रामायण के बालकांड पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 41 पर लिखा हुआ है, ये मेरे हाथ में किताब है। कहा के सुनो लोगों, तन बिन परस नयन बिनु देखा करी कान बिनु बास असीसा के बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे पृथ्वी नाना आनन रगत सकल रस भोगी बिन पाणी भगता बल जोगी। कहा लोगों इसी रामायण का खुलासा रामचरितमानस में किया गया है, ये किताब भी मेरे पास मौजूद है। रामचरितमानस के बालकांड और पेज नंबर 241 पर लिखा हुआ है, मतलब क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों अल्लाह वो है, सबका मालिक वो है, सबका पैदा करने वाला वो है, जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है मगर हमारी तरह आंखें नहीं गए, जो बोलता है लेकिन हमारी तरह जबान नहीं गए, जिनकी न माँ है न बाप है न औलाद है, जो जिस्मो जिस्मानियत से माँ बाप से आल औलाद से पाक और साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है।